प्रयागराज के श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद साधु समाज स्तब्ध है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव संदिग्ध हालत में आज प्रयागराज शहर के अल्लाहपुर में श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी से बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा मामला आत्महत्या का हो। प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था जो उनके शिष्य का बताया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि महंत नरेंद्र गिरी का कमरा अंदर से बंद है और वो खुल नहीं रहा है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने जब उस कमरे का ताला तोड़ा तो उसके अंदर महंत नरेंद्र गिरी फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया है कि कई पेज के इस सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र महंत नरेंद्र गिरी ने किया है कि वो इस समय परेशान थे और जिन जिन लोगों की वजह से वो परेशान थे और जिन लोगों को उनका समर्थन मिल रहा था मानसिक रूप से, उसका भी जिक्र इस सुसाइड नोट में है। इस सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी वसीयत को लेकर के भी कई बातें लिखी हैं, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। ये देखिए 5:15 पे आश्रम से मेरे पास फोन आया कि यहाँ पे और वो फैन पे लटक गए, कोई सूचना पे लोगों से कहा कि आप वैसे ही रहने दीजिए बॉडी को, जिससे एविडेंस ना हो। मैं फोरेंसिक टीम को पुलिस टीम को भेज रहा हूँ और आने के बाद जब चेक किया गया तो महाराज की डेथ हो गई थी और वो जो रस्सी थी उसको भी हम लोगों ने कवर किया है फैन से, जिससे उनको उतारा गया था और उनका हम लोग पंचायतनामा पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक मैं यही कहूँगा कि सब लोग हमें फोरेंसिक टीम को और हमें काम करने दें और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रही है और उनके जो उनके सुसाइड नोट मिले हैं आत्महत्या का, उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है और उन्होंने पूरी बात अपनी वसीयत की तरह की बातें लिखी हैं और काफ़ी मार्मिक उन्होंने जो अपनी मृत्यु का कारण अपनी आत्महत्या करना बताया। किस बात से दुखी समझ में आ रहा था? अब उनको आश्रम में अपने कुछ लोगों पर कुछ लोगों से वो दुखी थे, इसके बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन वो अभी फोरेंसिक जांच का विषय है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो उन्होंने आनंद गिरी का भी नाम अधिकारी के बारे में कुछ बोला है आश्रम के बारे में कि किसको उन्होंने क्या दुकान किसको क्या संपत्ति दी, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने एक पैसा भी इधर उधर नहीं मैंने किया, मैं जब से आया तब से मैंने आश्रम को ऊंचा किया, जिस उससे जो भी हमें मिलता था उससे हमने उसको विकास किया और मैं अपने सम्मान से जीता हूँ। मैंने सम्मान के बारे में ये लिखा है उन्होंने, लेकिन अभी फोरेंसिक ये अभी इन्वेस्टिगेशन का की बात है, अभी हम उसके बारे में। इधर हरिद्वार से ये खबर भी आई है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के सबसे नज़दीकी शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महाराज जी कुछ तो बोलो, महाराज जी कुछ तो बोलो। और यहाँ पर आप देखिए आईजी केपी सिंह का यह भी कहना है कि वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उन्होंने अपने वसीयतनामे की बात कही है। इस सुसाइड नोट से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं महंत नरेंद्र गिरी परेशान थे। महंत नरेंद्र गिरी सरकार और साधु संतों के बीच समन्वय की एक बड़ी कड़ी थे और यही वजह है कि लगातार 4 बार उन्होंने महाकुंभ में अखाड़ों का प्रतिनिधित्व किया और शासन और साधु संतों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी बने रहे।